हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में साइकोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए दो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस और दूसरा है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना ताकि दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। हम साइकोलॉजी को साइंस कंसीडर क्यों करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है? देखो, इन साइकोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना को, साइकोलॉजिकल इवेंट को समझने के लिए। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी साइकोलॉजिकल फिनोमिना की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करते हैं, फिर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उस पर हम टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस तरह से साइंटिफिक मेथड यूज करके किसी भी फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं और फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। इस वजह से हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं क्योंकि साइंस में भी साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। क्लियर? इसमें सेकंड पॉइंट आता है, साइंस एम्फसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय डेफिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। देखो, जो साइंस होती है वो किस चीज पर फोकस करती है, वो फोकस करती है ऑब्जेक्टिविटी पर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जब किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को दो या दो से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं और सेम कंक्लूजन पर वो अराइव करते हैं, सेम कंक्लूजन सेम आंसर वो फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिविटी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसे ऑब्टेन करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली क्या होती है कि आपको उस पर्टिकुलर फिनोमिना या कंसेप्ट की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए और दूसरी है आपको उसे मेजर करना आना चाहिए। यानी अगर आपको दो चीजें मालूम है, पहली क्या, आपको प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और दूसरी आपको पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिना को कैसे हम मेजर करेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिविटी को ऑब्टेन कर पाएंगे। क्लियर? तो जैसे साइंस में ऑब्जेक्टिविटी ऑब्टेन की जाती है, ऐसे ही साइकोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिविटी ऑब्टेन करके स्टडी कंडक्ट की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए कि हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि साइकोलॉजी में हम ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करते हैं। इसमें हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो डेफिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट और दूसरी हाउ दैट कंसेप्ट इज मेजर्ड। क्लियर? अब देखो, साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई डेस्कार्ट्स एंड डेवलपमेंट इन फिजिक्स हैज ग्रोन हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। देखो, जो साइकोलॉजी है ये डेस्कार्ट्स के आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है। डेस्कार्ट कौन है? डेस्कार्ट ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, इनके आइडिया से साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ज्यादा इनोवेशंस हुए। दूसरा, जैसे जैसे फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे साइकोलॉजी में भी डेवलपमेंट होता चला गया और एक मेथड डेवलप किया गया जिसे हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। देखो, ये जो मॉडल है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट टर्म लगती है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे से इस मॉडल को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कहता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल? ये मॉडल सजेस्ट करता है
साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ यू हैव आ थियोरी टू एक्सप्लेन फिनोमिना। देखो हाइपोथेटिको मॉडल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर थियोरी होनी चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर फिनोमिना को डिफाइन कर सकते हैं, उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिसिस्ट हैव बिग बैंग थियोरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म। देखो जो फिजिसिस्ट हैं उनके पास एक थियोरी थी जिसका नाम था बिग बैंग थियोरी। वो क्या डिफाइन करना चाहते थे कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, ये क्या है, ये है एक फिनोमिना। देखो यहाँ पर फिनोमिना क्या है कि कैसे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, कैसे यूनिवर्स बना। इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो फिजिसिस्ट थे उनके पास एक थियोरी थी और उस थियोरी का नाम था बिग बैंग थियोरी। इस थियोरी में उन्होंने क्या बताया कि पहले यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट था, धीरे धीरे इस पॉइंट को स्ट्रेच किया गया, एक्सपेंड किया गया और ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बन गया जिसमें स्टार्स, मून, सन, प्लैनेट सब इंक्लूड हो गए और ये यूनिवर्स के रूप में एग्जिस्ट हुआ। तो देखो फिजिसिस्ट ने ये क्लियर किया कि किसी भी फिनोमिना को जब हम स्टडी करना चाहते हैं, उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर थियोरी होनी चाहिए, तभी हम उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल में सबसे पहले हम किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमें स्टडी कंडक्ट करनी है, जिस पर रिसर्च कंडक्ट करनी है। इसके बाद क्या करते हैं, डिड्यूस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, टेंटेटिव आंसर्स। देखो जब आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिनोमिना कि मुझे इस पर रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये लॉजिक होते हैं, रीजनिंग होती है जो अप्लाई किए जाते हैं फैक्ट्स के बेस पर। हाइपोथेसिस टेंटेटिव आंसर्स होते हैं। टेंटेटिव आंसर का मतलब होता है अनसर्टेन, इनडेफिनेट आंसर्स जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यानी जिस टॉपिक पर, जिस फिनोमिना पर आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपने अजम्पशंस दिए हैं, आपने हाइपोथेसिस डेवलप किया है। इसके बाद आप क्या करते हैं, कलेक्ट एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल डाटा का मतलब होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं ताकि आप टेस्टिंग कर सके, जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया है उसे आप प्रूव कर सके। इसके बाद आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड प्रूव ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा कलेक्टेड। जो एम्पेरिकल डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, गैदर की है, उनके बेस पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, रिसर्च कंडक्ट की जाती है कि क्या ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। थ्योरी इज कंफर्म्ड इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और रिवाइज्ड इफ डाटा डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस। देखो अगर हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर कर दिया जाता है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जो भी फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए थे, अगर वो सपोर्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, तो थ्योरी को कंफर्म कर दिया जाता है, उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया जाता है, उसे वैलिडेट कर दिया जाता है। और अगर डाटा डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस तो पूरी थ्योरी को दोबारा से रिवाइज किया जाता है। यानी अगर आपका हाइपोथेसिस फॉल्स प्रूव हो जाता है तो दोबारा से सारी प्रैक्टिस को रिवाइज किया जाता है, दोबारा से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, उस पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है और फाइनली उसे अप्रूव किया जाता है, तभी थ्योरी को कंफर्म किया जाता है। तो देखो जो साइंटिफिक रिसर्च है ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपका एक हाइपोथेसिस ट्रू कंसीडर हो जाता है
तो आप दूसरा फिनोमिना सेलेक्ट कर लेते हैं स्टडी कंडक्ट करने के लिए, उस पर आप थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप उससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फिर उस थ्योरी को डेवलप करते हैं, कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करके उसे यूनिवर्सली अप्लाई कर देते हैं। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए बहुत सारी थ्योरी डेवलप की गई है, जैसे थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मेमोरी, थ्योरी ऑफ इमोशन, थ्योरी ऑफ परसेप्शन, थ्योरी ऑफ अटेंशन एक्सेट्रा। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को फॉलो करते हुए ये सारी थ्योरीज डेवलप की गई हैं। और आज की तारीख तक ज्यादातर रिसर्च साइकोलॉजी में इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए कंडक्ट की जाती है। अब देखो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को और इजीएस्ट वे से एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज एक डॉक्टर है, वो ओबीस पेशेंट पर स्टडी करके उनके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वो एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन से जो ओबीस पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, 20 ऐसे पेशेंट लेता है जो ओबीस है, उन पर वो टेस्टिंग करता है, यानी उन पेशेंट के ब्लड प्रेशर को वो मेडिसिन लेने से पहले भी मेजर करता है और मेडिसिन लेने के बाद भी, और एक महीने तक इस प्रैक्टिस को वो कंटिन्यू रखता है, यानी अपने टेस्टिंग को उन पेशेंट पर वो एक महीने तक फॉलो करता है। अब देखो, एक महीने के बाद दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्या है कि जो ओबीस पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है मेडिसिन से, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस ट्रू कंसीडर किया जाएगा, उस मेडिसिन को कंफर्म कर दिया जाएगा, वैलिडेट कर दिया जाएगा कि ये मेडिसिन ओबीस पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल है। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन में अगर उन पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बाद भी एज इट इज रहता है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करेगा, सेकंड हाइपोथेसिस डेवलप करेगा, वो कोई दूसरी मेडिसिन ट्राई करेगा उन पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो समझ में आया हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले एक फिनोमिना सेलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं जिस पर हमें स्टडी कंडक्ट करनी है, फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उस पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, और अगर एम्पेरिकल डाटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो उस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया जाता है, उसे वैलिडेट कर दिया जाता है और यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया जाता है। और अगर फैक्चुअल डाटा सपोर्ट नहीं करता है हाइपोथेसिस को, तो पूरी थ्योरी को दोबारा से रिवाइज किया जाता है जब तक कि उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड ना हो। समझ आया? तो ये था हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। इस वजह से हम कहते हैं साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहते हैं? देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि साइकोलॉजी इज अ ओल्ड डिसिप्लिन बट यंग साइंस। पहले से ही साइकोलॉजी को आर्ट स्ट्रीम में रखा गया है, इसे सोशल साइंस कंसिडर किया गया है। क्यों हम इसे सोशल साइंस कहते हैं? क्योंकि इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन देयर सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। देखो, साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, किस तरह से कल्चर और सोसाइटी उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ये सब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है रंजिता, दूसरी का है शबनम, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। ये दोनों एक दूसरे से एक्वेंटेड है, यानी एक दूसरे को ये जानती तो है लेकिन ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। अब इन दोनों की पर्सनालिटी के बारे में, इनके सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। जो रंजिता है वो कम्स फ्रॉम फार्मर्स फैमिली।
रंजिता एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करती है, यानी इसके जो पेरेंट्स हैं, जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो फार्म पर वर्क करते हैं, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। रंजिता लिव्स विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर। देखो रंजिता ये एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जिसमें इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं और एल्डर ब्रदर है। तो यहाँ पर इसके जो फैमिली है वो एक ज्वाइंट फैमिली है, और आपको पता है ज्वाइंट फैमिली में केयरिंग और शेयरिंग ये स्किल्स डेवलप की जाती है। अब रंजिता की हॉबी क्या है? शी इज गुड एथलीट एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर। रंजिता एक बहुत अच्छी एथलीट है, ये एक रेसर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। अब हम रंजिता की पर्सनालिटी की बात करते हैं। शी लव्ड मेकिंग फ्रेंड्स एंड मीटिंग पीपल। रंजिता एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये एमिएबल पर्सनालिटी रखती है, ये लोगों से मिलना जुलना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनकी हेल्प करना, ये उसकी पर्सनालिटी में है, इसका एक्सट्रोवर्ट नेचर है। तो रंजिता का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट आपको क्लियर हो गया। रंजिता एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करती है, इसकी फैमिली फार्म पर काम करती है, इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। दूसरा, ये एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, इसके साथ इसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और इसका भाई रहता है। इसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ये लोगों से मिलना जुलना पसंद करती है, उनसे दोस्ती करना पसंद करती है, उनकी हेल्प करती है जब वो डिस्ट्रेस में होते हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी एथलीट है और लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं शबनम की। शबनम्स फादर वर्क्स इन ऑफिस इन अ टाउन नियर बाय एंड कम्स होम ऑन हॉलिडे। अब देखो शबनम के जो फादर हैं वो एक ऑफिस में काम करते हैं, नियर बाय टाउन में वो वर्क करते हैं, वो हॉलीडेज पर ही घर आते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर से इन लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके फादर ऑफिस में वर्क करते हैं, वो घर पर भी नहीं रहते, वो पास के एक टाउन में रहते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है तब वो घर पर आते हैं। शबनम लिव्स विद हर मदर एंड यंगर ब्रदर। देखो शबनम की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि उसके फादर बाहर रहते हैं, वो अपनी मदर और अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती है। शबनम इज गुड आर्टिस्ट बट शी लव्स टू स्टे एट होम। शबनम की हॉबीज क्या है? वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन वो घर पर रहना पसंद करती है, वो बाहर जाना, बाहर लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये उसकी पर्सनालिटी में नहीं है। उसकी हॉबी क्या है कि घर में रहकर ही वो पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अब हम बात करते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में। शबनम इज शाय एंड अवॉइड मीटिंग पीपल। शबनम बहुत ज्यादा शर्मीली है, वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, वो रिजर्व नेचर की है, उसे ज्यादा फ्रेंड्स बनाना, बाहर जाना, घूमना फिरना ज्यादा पसंद नहीं है। अब देखो यहाँ रंजिता और शबनम ये दोनों अलग अलग तरह के सोशल एनवायरनमेंट में रहती है, अलग अलग इनका कल्चर है, अलग अलग इनकी थिंकिंग है, इनकी मेंटालिटी है, इनकी हॉबीज है और अलग अलग तरह की इनकी पर्सनालिटी है, लेकिन इनमें डिफरेंस होने के साथ साथ भी कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वो कैसे एग्जिबिट होती है? देखो एक बार क्या होता है, ड्यू टू हैवी रेन रिवर ओवर फ्लडेड एंड शबनम्स हाउस वाज फ्लडेड। एक बार क्या हुआ कि गांव में नदी में पानी ओवर फ्लडेड हो जाता है और बाढ़ आ जाती है, जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें पानी भर जाता है, सारे घर अफेक्टेड हो जाते हैं, उसमें एक घर शबनम का भी है जो बाढ़ से अफेक्टेड है। अब देखो शबनम क्या करती है, शी केम टू रंजिताज हाउस विद हर फैमिली। शबनम क्या करती है कि रंजिता के घर में वो रहने आ जाती है अपनी फैमिली को लेकर के, क्योंकि वो रंजिता को जानती थी, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो वो रंजिता से हेल्प लेने के लिए अपनी फैमिली के साथ उसके घर में आ जाती है। रंजिता वाज हैप्पी हेल्पिंग हर फैमिली। देखो रंजिता का जो एटीट्यूड था वो हेल्पिंग नेचर का था, क्योंकि उसको फ्रेंड्स बनाना, लोगों की मदद करना,
उनसे दोस्ती करना, इंटरेक्शन करना ये सब पसंद है। उसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है शबनम की फैमिली की हेल्प करके, क्योंकि रंजिता के अंदर कोऑपरेशन की स्किल्स है, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग नेचर की है। उसके अंदर केयरिंग एंड शेयरिंग स्किल्स डेवलप की गई है क्योंकि वो ऐसे ही एनवायरमेंट में बड़ी हुई है, वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है। और आपको पता है जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग एटीट्यूड एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो रंजिता है वो शबनम की हेल्प करती है। इवन रंजिता की मदर और ग्रैंड मदर जब पानी कम हो जाता है बाढ़ का तो शबनम की मदर की हेल्प करती है उनका घर दोबारा से बनाने में। तो दोनों फैमिली एक दूसरे के क्लोज आ जाती है, टू फैमिलीज बिकेम वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आपको समझ में आया रंजिता और शबनम के केस में दोनों का अलग फिजिकल एनवायरनमेंट है, अलग सोशल एनवायरनमेंट है, अलग कल्चरल एनवायरनमेंट है, फिर भी रंजिता ने शबनम की हेल्प की क्राइसिस के टाइम। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको इसी तरह के एनवायरनमेंट में डेवलप किया गया था जहां पर कोऑपरेशन, जहां पर हेल्पिंग नेचर, जहां पर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जैसे स्किल्स को डेवलप किया गया था। तो जैसी सोसाइटी में, जैसे कल्चर में हम रहते हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, हमारा परसेप्शन हो जाता है, हमारा एटीट्यूड हो जाता है, हमारा बिहेवियर हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्ट करते हैं। समझ आया? तो इस वजह से हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग ये एक सोशल एनिमल है, इसे सोसाइटी में रहना होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है और इवन ये खुद सोसाइटी के नॉर्म्स बनाता है, ये सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन भी बनाता है, उन्हें फॉलो भी करता है। तो जैसे सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग रहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर डेवलप होता है, उसकी थॉट्स डेवलप होती है। तो देखो कई बार क्या होता है कि रंजिता और शबनम के केस से अपोजिट सिचुएशन भी अकर हो जाती है। ये कैसे होता है? जैसे समटाइम्स पीपल बिकम एंटी सोशल अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इंडल्जिंग इन लूटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन व्हेन सम क्राइसिस ऑकर। अब देखो कई बार क्या होता है रंजिता और शबनम के केस के अपोजिट सिचुएशन अकर हो जाती है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे लूटिंग है, एक्सप्लॉयटेशन है, जब कोई क्राइसिस अकर होता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जब कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई डिजास्टर की वजह से क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, वो हाई चार्ज करना शुरू कर देते हैं, बेसिक अमेनिटीज की चीजें उन्हें बहुत महंगी देना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो सपोज एक रोटी वो 50-50 रुपए में दे रहे हैं, एक पानी की बोतल वो 100-100 रुपए में देना शुरू कर देते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक्सप्लॉयटेशन है। जो विक्टिम है उनको हेल्प करने की बजाय वो उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर लोग क्यों एग्जिबिट करते हैं? क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ है वो इसी तरह के एनवायरनमेंट में हुआ है, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं वहां पर इसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है। तो समझ आया किस तरह से एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को? जैसी सोसाइटी में, जैसे कल्चर में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं वही एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को शेप करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मेंटल एक्टिविटीज बन जाती है, हमारा परसेप्शन, हमारी थिंकिंग, और उसी की तरह से हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक था साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। होपफुली आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन बोर्ड के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना क्योंकि पूरी एनसीईआरटी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।